तमाम मेम्बरान को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ टुडे, अपना करोड़ लालिसन जावेद अली सलीमी के साथ। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं करोड़ लालिसन के नवाह में होने वाले बहिमाना कत्ल के मुतल्लिक मुकम्मल तफसील, और साथ आप देखेंगे वहां मौजूद बच्चों के बयानात। लालिसन के करीब नारा चौक से आगे बसी आरियाँ वाला के करीब एक रक्षा ड्राइवर इमरान को इस वक्त कत्ल कर दिया गया है, जब वो 20 से जायद स्कूल के तलबा व तालबात को लेकर स्कूल की सिम जा रहा था। हमारा सवाल यही है कि इन मासूम बच्चों जिनके सामने एक नौजवान का कत्ल हुआ है, कि दिलो दिमाग में इस वक्त क्या सोच होगी, कत्ल क्यों हुआ और इसके असबाब क्या हैं। ये सवाल अपनी जगह अहम है, लेकिन 20 से ज़ायद मासूम बच्चों की मौजूदगी में इनसे चंद कदम के फासले पर होने वाला ये कत्ल अपने अंदर लातादाद सवालात रखता है, जिनका जवाब ज़रूरी है। हम आ रहे थे ना, जा रहे थे स्कूल, फिर रास्ते में हमें रोक लिया, उन्होंने कहा कि तुम उतरो। फिर हम रक्षे के साथ ही उसने पहले तीन पैर नीचे जमीन पर मारे, फिर नीचे गिरा दिया, फिर मार के फिर चले गए। पुलिस इस वक्त तहकीकात कर रही है, यकीनन मुलजमान को तलाश करने के बाद गिरफ्तार किया जाएगा और इनको करार वाकई सजा मिलने तक कानून अपने फराइज पूरा करने के लिए मुसलसल मुतहरक रहेगा। लेकिन क्या ऐसा नहीं कि ये एक कत्ल दर हकीकत रक्षे पर मौजूद तमाम बच्चों की सोच का कत्ल भी है? अल्लाह का करम हुआ कि मुलजमान को मजीद किसी फर्द पर गोली चलाने की तौफीक नहीं हुई कि हमारे बच्चे इनके शर से महफूज रहे। तुम बड़े बदमाश हो, नीचे उतरो। फिर तीन फायर नीचे मारे और सात फायर मारे और फिर चले गए। वो दुकान में छुपे हुए थे, फिर अंकल आमिर को उन्होंने रोक कर मार कर फिर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। दो मोटरसाइकिल पर जाने लगे थे तो दो आदमी थे, दो आदमी मोटरसाइकिल पर गए, एक मोटरसाइकिल के ऊपर खड़ा था और दूसरा मार कर वो चला गया। बेटा आप पढ़ते हैं सारे? अच्छा, जिस वक्त कत्ल हो रहा था आप नहीं रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे? रो भी रहे थे, कुछ बच्चे चिल्ला भी रहे थे कि फिर रो रहे थे तो रोने का आवाज़, फिर आसपास के लोग फिर आ गए। आप लोगों ने उनकी मिन्नत भी की होगी कि वो ना मारे हैं अंकल आमर को? इन्होंने मारा है, उनके चेहरे नजर आ रहे थे या उन्होंने अपने चेहरों पर नकाब पहने हुए थे? नकाब पहने हुए थे। ठीक है, बस आप कितने लोग उस पर सवार थे रिक्शे में उस वक्त? और सुनने में आया कि कोई बच्चा बेहोश भी हो गया डर से? बेहोश कोई नहीं, सारे बस ज्यादा चीख चिल्ला रहे थे, रो रहे, डरे हुए थे। डरे हुए थे। चलो ठीक है।